हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 13.2 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 9 to 21 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 13.2 पार्ट 1 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे रिजल्ट स्टडी किए। इवन हम लोगों ने एक सैंडविच थ्योरम थी वो भी आपको बहुत डिटेल में बताई, और उसी के ऊपर बेस्ड एक रिजल्ट था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ भी बताया। हालांकि इसका प्रूफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, पर सारे कॉन्सेप्ट आप स्टडी करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो इसे भले ही नोट डाउन ना करें आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 to 21 सॉल्व करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किए थे लेक्चर नंबर 4.1 में पार्ट 1 में वो यूज होंगे, उसे हम एक बार दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हालांकि दो ही दो लाइन के क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो जब वो आएंगे तब हम इसे करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन टेन 3x। हमें रिजल्ट पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे x है, इसे हम 3x भी कर सकते हैं, तो ये लिमिट भी 3x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। सब एक्सटेंशन हम लोगों को यूज करने हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, मल्टीप्लीकेशन डिविजन, मतलब जो जूनियर क्लासेस के चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। सीनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज नहीं हो रही हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, दिस इज, इसे थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया साइन एक्स और टेन थ्री एक्स को। तो साइन एक्स के डिनोमिनेटर में तो कर दिया हमने 5x, और टेन एक्स के डिनोमिनेटर में कर दिया हमने 3x। क्यों? क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 होता है। अब क्या क्या हुआ, ये जो 5, ये जो x था, देखिए ये x तो इस x से कैंसल्ड आउट हो गया, तो इसलिए x तो हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा लिया ही नहीं। ये जो 5 था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो हमें 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ ना करके हम इसे बाहर ले लेते हैं ये। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब इनको अलग अलग कर देते, लिमिट 5x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू 1 अपॉन लिमिट 3x टेंड्स टू 0। देखिए अब ये स्टेप भी हम बाद में इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने एज x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज 3x टेंड्स टू 0 और 5x टेंड्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज 5 अपॉन 3, ये तो हो गया 1 इंटू 1 अपॉन, और ये वाला पार्ट भी आपका 1, तो दैट इज रिजल्ट इज 5 अपॉन 3। इसमें सिर्फ ध्यान आपको रखना है कि जो ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप यहाँ पे करेंगे, ये जो करेंगे इसका ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में है कौन सी डिनोमिनेटर में, यही गलती करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देख लीजिए एक बार। हालांकि बता चुके हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, इसी का अगर हम x टेंड्स टू 0, अगर आपके पास साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ मत करिए, इसको आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट इसके अंदर ले लीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये चीजें हमारे पास यहां पे यूज होंगी। तो जैसे यहां पे साइन स्क्वायर 4x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 4x अपॉन 16x स्क्वायर जब होगा तो ये रिजल्ट 1 देगा। यहां पे कैसे कि साइन 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर, इसी तरह से साइन स्क्वायर 2x है तो साइन
स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, इसका ध्यान रखिएगा, तो उसी हिसाब से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अब हम इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से करेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमने समझा दी है। अब हम लोग बहुत सारे स्टेप को डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर 4x। अब साइन स्क्वायर 2x है तो 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 16x स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, मीन्स कोई भी चीज़ हम लोगों ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एक्स की टर्म्स में तो नहीं करी, और 4 में आपके पास 4 से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 से आपने यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे कर दीजिए आप 16। ओके तो अब देखिए कितना ईजी हो गया, लिमिट 1/4 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इसका स्क्वायर, ये वाली टर्म तो बन जाएगी 2x अपॉन 2x साइन 2x अपॉन 2x, और 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x का स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू ये हो गया 1 इंटू 1 अपॉन ये हो गया 1, दैट इज 1/4 इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लिमिट x टेंस टू 0। अब हमें x साइन x की फॉर्म पता है, तो ये cos 2x का हमें पता है, वी कैन राइट दिस एज cos 2x अपॉन साइन 2x। अब जैसे ही हमारे पास x आया और साइन 2x आया, हम लोगों का क्लियर हो गया कि विजन की करना क्या है, cos 2x को यहाँ लिख दीजिए, साइन 2x डिनोमिनेटर में है इसको हमने थोड़ा सा अलग करके लिख लिया, और ये वाला जो x था इसको हम इसके डिनोमिनेटर में ले गए, यानी इस x को हम इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x अपॉन x। पर हमें चाहिए 2x, तो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करिए तो इसी की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ओके तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप देखिए क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x तो हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 तो ये हो गया, और लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन 2x इज 1, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन 2 इज अवर आंसर। तो देखिए है ये एक एक लाइन के क्वेश्चन। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स कॉसेक 3x, तो इसको वी कैन राइट x अपॉन साइन 3x, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से डिवाइड, ये वाला 3 तो इधर ले लीजिए तो 1 अपॉन 3, 3x अपॉन साइन 3x इसको वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन 3x अपॉन ये 3x इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3x। अब ये सॉल्व हो गया, देखिए 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन ये लिमिट, वैसे तो हम लोगों ने अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेप कर दिया था, यहाँ पे एक स्टेप हम चलिए बढ़ा देते हैं, साइन 3x अपॉन 3x दैट इज 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज 1 अपॉन 3 इज अवर आंसर। तो बस थोड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ध्यान रखिएगा। अंत देखिए कि फर्स्ट पार्ट इसमें cos 2x में हम अगर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दें कि cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या हम इसे इस तरह से कहें कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, तो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर x की टर्म आएगी, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, यहां पे सेकंड पार्ट है 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 0, अब यहां पे कॉस 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे साइन की टर्म्स में ले आए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, तो दिस इज अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस 2 को तो बाहर ले लीजिए, अब इसमें दो तीन मेथड है करने को, किसी भी तरह से कर लीजिए जैसे आपको समझ में आए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 जैसे अभी हमने किया था इंटू 1 अपॉन, इसे हम लोग वैसे ही कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें तो चाहिए हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कर दिया, और यहाँ पे चाहिए हमें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर दिया, तो देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, मीन्स हमने कोई एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक्स्ट्रा तो करी नहीं, ये वाली जो 4 की टर्म है ये एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 आपके पास बाहर आ गए, तो 2 अपॉन 4 लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x स्क्वायर बाय 4, तो
एन इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और अब ये हो गया वन बाय टू इंटू ये वाला पार्ट हो गया वन इंटू, और ये वाला पार्ट हो गया वन वन अपॉन वन, दैट इज वन अपॉन टू इज अवर आंसर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है टेन टू एक्स साइन टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, मीन्स यहाँ पे एक्स क्यूब, साइन में एक्स क्यूब वाली टर्म्स चाहिए, तो इसे हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व कर लेते हैं कि टेन टू एक्स को वी कैन राइट साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। आप देखिए बहुत सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पे साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया और साइन टू एक्स कॉमन ले लिया, और वन माइनस कॉस टू एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स की टर्म और साइन स्क्वायर एक्स की टर्म, मीन्स हमें एक्स क्यूब की रिक्वायरमेंट, और वो यहाँ पे आ गया, एडजस्ट हो गया, और हमें पता है कॉस जीरो तो वन होता है, तो इसकी लिमिट में तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसको सिंपल रीअरेंज कर दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जो ये साइन टू एक्स है इसके डिनोमिनेटर में, तो हम लोग चलिए इसके डिनोमिनेटर में बाद में लिखेंगे, इसे अलग लिख लेते हैं, और फिर ये टू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे, और कॉस 2x, अब ये जो x क्यूब है इसमें से एक x तो लिख देते हैं यहां पर, एक x स्क्वायर यहां लिख देते हैं, बट यहां पे x लिख के हमारा काम चलेगा नहीं, हमें 2 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहां पे 2 से करी तो यहां पे भी 2 से कर दी, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, यहीं पे गलतियां होती है। तो दिस इज 4 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू, और ये 1 अपॉन cos 0 इज 1, 1 अपॉन 1 दैट इज 4 इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल था, हम लोगों ने सिंपल 10x को sin x अपॉन cos x कर दिया, और 1 माइनस cos 2x को हमने लिख दिया 2 sin स्क्वायर x, तो एक sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 sin x cos x इज sin 2x, और इसमें यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इस 2 से और इस 2 से डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास पार्ट हो गया 1, ये 1, 1 बाय 2 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये भी सिंपल है, इसी तरह से हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहां पे यूज करनी है, इसे cos x अपॉन sin x लिख देते हैं, माइनस वन अपॉन sin x अपॉन x, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल था, हम लोगों ने cos x माइनस वन, हमारे पास वन माइनस cos x था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो कॉस एक्स माइनस वन हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, सिंपल। और x, अब चूंकि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू आ रहे हैं और यहां पे साइन x आ रहा है, और हमें पता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, तो ये साइन x हो जाएगा 2 साइन x बाय टू कॉस x बाय टू, इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये एक साइन एक्स बाय टू वाली टर्म कैंसिल हो गई। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स दिखाई दे रहा है, तो हमें किसी तरह साइन वाली टर्म लेके आनी है, तो वो हम लोग लेके आ गए, इसे हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो वी विल गेट दिस। एंड अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स है, इसे टू कर दीजिए, और यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू वन अपॉन कॉस एक्स बाय टू, कॉस वाली टर्म से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, माइनस इस टू को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो माइनस वन अपॉन टू ये टर्म हो जाएगी इंटू वन, और ये वन अपॉन ये हो जाएगा वन, दैट इज माइनस वन बाय टू इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है, 1 माइनस कॉस 4x, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x, हाफ एंगल हो जाता है ना, और यहां पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ 5x का हाफ 5 बाई 2x। अब देखिए सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल, अब देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर 2x, और ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5 बाई 2x। साइन स्क्वायर 2x को हम लोगों को 1 बनाने के लिए चाहिए हमें 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर यहां पे किया, तो हमने यहां पे भी कर दिया 4x स्क्वायर, यहां पे चाहिए हमें 25 अपॉन 4x स्क्वायर, तो यहां पे कर दिया 25 यहां पे, तो यहां हो गया 25, और अब हमें 4 ये हम लोग लिखेंगे 25x स्क्वायर अपॉन 4, तो इस 4 को हम लोग ले जाते हैं न्यूमरेटर में, यहां पे ले जाना चाहिए यहां ले जाइए, नहीं तो आप बाद में कर लेंगे। इस x स्क्वायर से देखिए ये वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है, तो हम इसे लिखेंगे ही नहीं, इसे थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस करके आपको
ध्यान करना पड़ेगा, लिख लेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब ये फोर तो न्यूमरेटर में चला गया, एक फोर ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये हो गया 16 अपॉन, और ये 25, 16 अपॉन 25, ये है आपके पास 1 इंटू, और ये वाला पार्ट है आपके पास 1 अपॉन 1, दैट इज 16 अपॉन 25 इज अवर आंसर। है तो ये दो ही लाइन का, बट गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं इसमें, सारे फ्रैक्शंस है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इसे ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बहुत सिंपल है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एंड दिस इज 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री जब आपने स्टडी करी थी तो आपको ये इस तरह की फॉर्म देखते साथ याद आ जाता था कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो इससे क्या होगा, एक बार ये 1 कैंसिल होता था, एक बार ये एक टर्म में से x कैंसिल होता था, और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता था, वही हमें यहाँ पे करना है। कि कितना सिंपल है, हम लोगों ने लगाया ये तो हो गया हमारे पास x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, cos 2 अपॉन 2 इज 1 एंड sin 2x अपॉन 2 इज sin x, तो sin x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 हो जाएगा, और cos 1 इज अवर आंसर। इसी तरह से सेम हम लोगों के पास यहां पे फॉर्मूला लगेगा sin x माइनस sin y का, सेम है, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमारा एक ये 2 छूट गया था, ये साइन एक्स माइनस साइन वाई के फॉर्मूले में, तो इसे करेक्शन कर लीजिए, 2 कॉस 1 इज अवर आंसर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल एंड 2 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, और साइन 4x अपॉन x एक इसके साथ ले लिया, एक इसके साथ ले लिया, हमें साइन 4x के साथ चाहिए 4, तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो ये हो गया माइनस 8, ये 1 और ये 1, दैट इज माइनस 8 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज माइनस 8 इज अवर आंसर। और ये इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, हम जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको रेशनलाइज करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो रूट टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है बट कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये वाली टर्म देखिए हमारे साथ, हमने क्यों रेशनलाइज किया कि व्हेन वी पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये रूट टू है और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जीरो मीन्स अंडर रूट ऑफ 2, तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म मिल रही है। अगर ये वाला प्लस हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसे रेशनलाइज जब किया तो यहां पे आपके पास प्लस की टर्म आ गई, ये वाली टर्म प्लस हो गई, तो प्लस होते साथ ही ये रूट टू प्लस अंडर रूट ऑफ 2 मीन्स 2 रूट 2 वैल्यू देगा, तो बस इतना ही इन सब चीजों का ध्यान रखना है हम लोगों को। तो ये हो गया रूट टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये सिंपल है आपके पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 माइनस मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड रूट टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या होगा, अब बहुत सिंपल है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉस एक्स को तो ऐसे ही रहने दें और साइन स्क्वायर एक्स को कर दें हम लोग, देखिए साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अगर ये ध्यान ना आए तो इसको कर सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 से सॉल्व करेंगे तभी भी ये सब टर्म मिलेंगी, तो इससे ये कैंसिल। अब इसमें जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस 0 इज 1 तो 1 प्लस 1 रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x means 1 plus 1 means under root of 1 plus 1 means root 2, that is 1 upon 2 into 2 root 2, that is 1 upon 4 root 2 is our answer। चलिए next देखते हैं।
आप देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा क्या अगर ध्यान से देखें तो साइन टू एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस टेन थ्री एक्स, ये एक्स अगर इधर मिल जाए, ये एक्स अगर इधर मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन टू प्लस टेन थ्री एक्स अपॉन एक्स, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स से डिवाइड कर दिया। और अब ये सिंपल है, यहाँ पे हमने टू कर दिया तो ये टू आ गया, और यहाँ पे हमने थ्री कर दिया तो ये थ्री आ गया। और अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट यहीं कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो ये तो हो गया वन, तो टू इंटू वन प्लस थ्री अपॉन टू प्लस थ्री, और ये हो गया आपके पास वन, थ्री इंटू वन दैट इज फाइव अपॉन फाइव दैट इज वन इज अवर आंसर। इसी तरह से सेम ये वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हम लोगों ने x से सिंपल यहां पे इस क्वेश्चन में x से हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद इस 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करी और यहां पे मल्टीप्लाई करी और इसे सिंपल सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहां पे x स्क्वायर है, यहां 10 टू x है, ये 10 x है। अब इसमें से अगर एक x हम निकाल दें, एक x तो हम इसके डिनोमिनेटर में ले जाएं और एक x इसके डिनोमिनेटर में ले जाए तो हमारा काम हो गया। और इसे कैसे लेके जाएंगे, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो उसी तरह से हम इसे थोड़ा सा उसकी तरह से और थोड़ा सा डिफरेंट उससे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ से, हमने क्या किया x कॉमन ले लिया तो x माइनस 10 टू x अपॉन x तो ये आ गया अपॉन 10 x, तो ये वाला तो टर्म क्लियर हो गया। अब बचा ये वाला x, देखिए x आइसोलेटेड x से डरने की जरूरत नहीं है, x प्लस टू जब लिमिट रखेंगे तो ये जीरो टू वैल्यू दे देगा, इसलिए आइसोलेटेड x से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आइसोलेटेड x आ रहा है ये कोई परेशान नहीं करेगा, ये वाला x परेशान करेगा। इस x को इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो x माइनस 10 टू x अपॉन x, और अभी भी हमें यहाँ पे x नहीं चाहिए 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई इधर इधर अपॉन, और इसे कर दिया 10x अपॉन x, और अब ये सिंपल जीरो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हम इसमें तो ये तो हो गया 0 माइनस 2 इंटू 1, ये वैल्यू हो गई 1 एंड अपॉन, और ये वैल्यू है 1 दैट इज माइनस 2 इज अवर आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट में भी देखिए x cos x है, इस x को तो sin x के नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और यहां से एक x हम लोग कॉमन लेके 10 x के डिनोमिनेटर में, तो ये क्लियर हो जाएगी टर्म, ये टर्म क्लियर हो जाएगी, सिर्फ एक x यहां बचेगा तो x प्लस जो भी होगा x प्लस वन x प्लस टू तो 0 प्लस वन 0 प्लस टू आपको वैल्यू देगा। तो सेम इसी तरह से है, सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये हो गया 5 cos 0 इज 1 माइनस 3 sin x अपॉन x इज 1 अपॉन 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 और 10 टू x अपॉन 2 x इज 1 दैट इज 5 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज 1 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बहुत सिंपल है, sec स्क्वायर x को वी कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये सॉल्व हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन 10 एक्स माइनस 1 एंड दिस इज लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 एंड दिस इज 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 10 एक्स माइनस 1। अब आपको दिखना भी शुरू हो गया होगा ये कि ये x टेंस टू पाई बाय 4 है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 पाई बाय 4 और ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी एंड अब इसमें हम लोग लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 10 पाई बाय 4 इज 1 1 प्लस 1 दैट इज 2 इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल है, इसी का सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्टली यहां पे लिमिट पुट करें तो देखिए हमें पता है cos n पाई इज माइनस 1 रेज टू द पावर n, तो cos पाई इज माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1 तो 1 माइनस 1 अपॉन sin n पाई इज 0 तो ये 0 दैट इज 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। और एक हमें फॉर्मूला, अगर आप यहां पे इसे ध्यान से देखें तो आपको ये फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिस इज ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई वन प्लस कॉस एक्स, वन स्क्वायर इज वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी मीन्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू पाई वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस, अब देखिए इस टर्म को अगर आप देखें पाई रख दीजिए तो कॉस स्क्वायर पाई प्लस वन और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, तो ये सारी वैल्यू दे देगा आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो ये माइनस है ये परेशान कर रहा है, तो इसको अगर हम क्या करें वन प्लस कॉस एक्स और इधर से ये प्लस परेशान कर रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स है ये अपॉन, इसे कर दें वन प्लस कॉस एक्स एंड वन माइनस कॉस एक्स और ये टर्म कैंसिल। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स टेंस टू पाए तो वन प्लस कॉस पाई इज माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस कॉस पाई इज माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस पाई इज माइनस वन तो वन प्लस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19th में x टेंस टू पाई अगर हम पुट कर दें तो साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई मींस जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आ जाएगी, तो इसके लिए अब हम क्या करें, यहां पे अगर हम लोग अगर आपको याद हो हमने एक्सरसाइज 14.1 में भी हम लोगों ने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे कि लेट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच, वैसे फॉर्म भी दिखाई दे रही थी कि एक्स माइनस पाई की, तो अगर हम ये एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच पुट कर दे तो यहां डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एच और साइन एच अपॉन एच की फॉर्म ये हमें वन दे देगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए। तो देखिए वो कैसे कैसे कन्वर्ट होगा वो भी देख लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच देन एक्स टेंस टू पाई है हमारे पास, दिस इंप्लाइज जब एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो ये एच जीरो को अप्रोच करेगा। इसका बहुत सिंपल वे में हम लोग इस तरह से कर देते हैं कि एक्स की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एच की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एच टेंस टू जीरो। डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज इसे हम पहले आपको बता चुके हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स टेंस टू पाई मीन्स एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की वैल्यू पाई प्लस एच तो साइन पाई प्लस एच अपॉन एंड एक्स माइनस पाई इज एच एंड साइन 180 प्लस थीटा, तो देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो 180 होते साथ ही साइन पाई होते साथ ही तो साइन एच तो साइन एच ही रहेगा, सिर्फ साइन का फर्क आएगा कि प्लस या माइनस। तो पाई प्लस एच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो ये हो गया अपॉन एच और ये वैल्यू आपको पता है ये वन होती है तो माइनस वन इज अवर आंसर। अब इसी का सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें यहां पे तो सेकेंड पार्ट के लिए भी कि लेट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच व्हेन एक्स टेंस टू पाई बाय टू एच टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जो पाई बाय टू माइनस एक्स है तो ये पाई बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू तो हो जाएगा माइनस माइनस एच और टेन एक्स, टेन एक्स हो जाएगा टेन, एक्स की जो वैल्यू है पाई बाय टू प्लस एच और अब देखिए ये क्या हो गया, अब ये बहुत सिंपल हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, पाई बाय टू होते साथ ही टेन कन्वर्ट हो गया कॉट एच में, पाई बाय टू प्लस एच किस क्वाड्रेंट में है पाई बाय टू प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में, टेन नेगेटिव तो ये माइनस वाला था ये प्लस हो गया एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉट एच को वी कैन राइट वन अपॉन टेन एच और ये वाला जो एच न्यूमरेटर में है इसको और इसके डिनोमिनेटर में चलिए इसे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन इसे एच को जो न्यूमरेटर में था इसे हम और डिनोमिनेटर में ले गए एंड दिस इज वन अपॉन वन दैट इज वन इज अवर आंसर। कितना सिंपल है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से है कि लेट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच एंड व्हेन एक्स टेंस टू पाई बाय टू एच टेंस टू जीरो, अब इसकी वैल्यू सब ये फर्स्ट पार्ट हम करें, अब इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू मीन्स एच टेंस टू जीरो कॉट एक्स की जगह हो जाएगा पाई बाय टू प्लस एच अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स इज माइनस एच, ये माइनस एच हो गया तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई बाय टू होते साथ ही कॉट तो हो गया टेन एच, अब इसका साइन देख लीजिए साइन क्या होगा
पाई बाय टू प्लस एच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस अपॉन एक माइनस एच यहां पे, एंड दिस इज वन, टेन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसी तरह से सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स, अगर ये जीरो होता तब तो हम इसे डायरेक्ट करते, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन, ये साइन एक्स है, साइन साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये जो थ्री एक्स्ट्रा था इसकी मल्टीप्लाई, और ये भी वन, थ्री इज अवर आंसर। पर यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच, देन व्हेन एक्स टेंस टू पाई एच टेंस टू जीरो। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एच टेंस टू जीरो साइन थ्री, एक्स की वैल्यू है हमारे पास है पाई प्लस एच अपॉन साइन पाई प्लस एच, साइन थ्री पाई प्लस थ्री एच हो जाएगा ये, तो आप देखिए थ्री पाई प्लस, तो ये टू पाई हो गया और थ्री पाई हो गया, और थ्री पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो ये देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये थ्री पाई होते साथ ही साइन तो साइन ही रहेगा, साइन थ्री एच आ जाएगा, 3 पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ गया, अपॉन पाई प्लस एच, तो ये पाई होते साथ ही ये तो रहा साइन एच, और पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। अब देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, साइन 3h अपॉन साइन h, और यहां पे आपके पास h टेंस टू जीरो है, दैट इज लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 3h, इसे लिख लिया साइन h, यहाँ पे हमने 3 से 3h से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने h से कर दिया, तो h तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है, ये 3 एक्स्ट्रा लिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस। तो 3 इंटू वन, ये 1 हो गया, और इंटू 1 अपॉन, और ये भी 1 हो गया, दैट इज 3 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन तो सॉल्व करने में दो ही लाइन लिखनी है हमें, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दो लाइन लिखनी है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, बट वो दो लाइन लाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4.1 में, पार्ट 1 में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखाएंगे, बट देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। नेबर ऑफ सी, जब हम कहते हैं नेबर ऑफ सी, आपका नेबर कौन है, ये एक रियल लाइन है, इसमें एक पॉइंट सी है, ये इसके नेबर हैं, जो इसके एकदम नियर है, तो जो नियर टू सी है दैट इज कॉल्ड नेबर ऑफ सी, बहुत सिंपल है। तो रियल नंबर, रियल नंबर नियर टू C belongs to R is called neighbor or neighbor to C, तो इसमें तो कहीं कोई confusion नहीं है। अब आता है neighborhood, अब हम बात करते हैं, तो जो collection है उसकी बात कर रहे हैं, तो suppose ये एक point C है, real line है, ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसके जो near, इसके जो near numbers हैं उनका जो कलेक्शन है वो इनका नेबरहुड होगा। अब इसके जो पास में नंबर है, हमने क्या किया इसके लिए, सपोज हमारे पास, इसे आप नंबर से समझिए तो ज्यादा आसानी से समझेंगे, यहां पे आपके पास है पॉइंट सपोज 1, हमने ले लिया एक स्मॉल नंबर 0.1, तो 0.1 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 1.1, 0.1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 0.9। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि सपोज ये आपका घर है, आपको नेबरहुड देखना है, तो नेबरहुड देखने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने जो आसपास का कितना बड़ा एरिया लूं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मान लिया कि 0.1 एक स्मॉल रियल नंबर है, ये एक 0.1 है हमारे पास, ये और ये 0.1 एक स्मॉल नंबर है। अब स्मॉल नंबर 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है, कितने ही नंबर स्मॉल हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि आप जब, आपको जब हम बोले कि अपना नेबरहुड डिफाइन करो, तो आप अपने घर के अगल बगल वाले दो घर ले लीजिए, चारों तरफ चार घर चारों तरफ ले लीजिए, आठ घर ले लीजिए, तो ये कोई सर्टेन डिफाइंड नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक स्मॉल रियल नंबर है, वो स्मॉल कितना है ये सबके दिमाग में अपने हिसाब से चलेगा। अब ये जो कलेक्शन है पूरा, ये वाला जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो भी नंबर है इनका जो कलेक्शन है, ये नेबरहुड कहलाता है, जैसे आपका नेबरहुड।
तो ये जो कलेक्शन है इसे जब हम लोग लिखते हैं तो इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको याद हो कि जब हम लिखते थे इंटरवल ए बी, इसका मतलब होता था एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। तो यहां पे अब अगर वन की जगह अगर हम लोग पॉइंट सी ले लें और ये जो डिफरेंस पॉइंट वन लिया था इसकी जगह हम डेल ले लें, देखिए अब थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब यहां पे जैसे ही सी बोला डेल बोला, जब तक ये नंबर चल रहे थे तब तक क्लियर, जैसे ही सी और डेल में आए तो सोचने लगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब चीजें वही हैं जो वन और पॉइंट वन के लिए थी। तो ये हो जाएगा सी प्लस डेल और ये हो जाएगा हमारा सी माइनस डेल। तो ये जो इंटरवेल है सी माइनस डेल सी प्लस डेल सी माइनस डेल सी प्लस डेल, ये नेबरहुड है किसका, इस सी का। बहुत सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है। और अब इसमें एक चीज और आती है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। तो अगर हम इस नेबरहुड में से इस सी को ही उड़ा दें, सपोज आप शिफ्ट कर गए फॉरेन में, तो आपका नेबरहुड हो गया कि आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। तो ये आपके पास डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी में क्या होगा, ये जो सी माइनस डेल सी प्लस डेल इंटरवेल था, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट थे, ये वाले जो पॉइंट थे ये 0.91.1, ये वाला जो इंटरवेल था इसमें से अगर हम लोग ये जिसका हमने निकाला नेबरहुड उसको हटा दें, मींस माइनस सी कर दें पॉइंट सी, तो ये जो हमारे पास आता है दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। कितना सिंपल है देखिए। और हमेशा जब हम लोग लिमिट निकालते हैं तो लिमिट निकालते ही डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी पे हैं, इसीलिए ये पढ़ा रहे हैं हम आपको कि आपके पास कोई फंक्शन है इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो ये जो है डिलीटेड, इसके जो डिलीटेड नेबरहुड है उनके ऊपर हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से फंक्शनल वैल्यू हमें मिल रही है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, और वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। इसके कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे। तो ये क्लियर हो गया डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। अब एक चीज और आती है एंड दैट इज बाउंडेड फंक्शन। बहुत सिंपल सिंपल है, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। बाउंडेड फंक्शन को इस तरह से आप समझिए कि सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो है इसकी जो वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू, ये तो एफ एक्स की वैल्यू को डिफाइन करता है एफ एक्स। तो यहां पे जो ये एफ एक्स है, अगर ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए माइनस 1 है, अब आपको याद आ गया होगा कि ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है। तो जो एफ एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, लेस देन इक्वल टू वन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, ये जो है एफ एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही रहेगा। मीन्स आपने क्या किया इसे, आपने इसे बाउंड कर दिया कि तुम इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते। तो देखिए जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप इसका नाम समझिए, अपने आप क्लियर होगा। बाउंडेड फंक्शन मींस फंक्शन को बाउंड कर दिया आपने, उसकी वैल्यू को बाउंड कर दिया। हम लोग जब कार, जब हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे भी हम उसकी स्पीड को बाउंड कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स वगैरह में जो व्हीकल्स होते हैं वो उनकी स्पीड बाउंडेड होती है कि 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी, और उसमें हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट भी लगाते हैं जिससे वो स्पीड उससे ज़्यादा जाती ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बाउंडेड। अब अगर हम इसी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो ये साइन एक्स है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो साइन एक्स इज बाउंडेड इन आर। मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। इसी तरह से हम अभी इसकी डेफिनेशन लिखवा भी देंगे। इसी तरह से अगर हम लोग कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स में भी यही होगा। कॉस एक्स में इस तरह का फंक्शन होता है, ये भी क्या होगा, ये भी बाउंडेड है। देखिए ये भी माइनस वन टू वन बाउंडेड है, इसकी जो एफ एक्स है ये भी माइनस वन टू वन है। मींस कॉस एक्स इज बाउंडेड इन आर। अब अगर हम बात करें सपोज टेन एक्स की, तो टेन एक्स, तो टेन एक्स का इस तरह से है तो टेन एक्स तो बाउंडेड नहीं है, तो 10x इज नॉट बाउंडेड, ये जाएगा अप टू इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी।
अब अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है साइन वन अपॉन एक्स की। इसका वैसे तो ग्राफ आपके कोर्स में नहीं है और करना भी नहीं, सिर्फ थोड़ा समझ लीजिए। इसका जो ग्राफ होता है, इसमें जो ऑस्किलेशन होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत नियर होता है, बहुत नियर, और फिर धीरे धीरे ये फैलता रहता है, धीरे धीरे ये फैलता रहता है लेफ्ट साइड में भी। ये ऑस्किलेशन जो है ये जाएगा ही रहेगा, माइनस वन टू वन ही, उसके क्रॉस नहीं करेगा, ये बहुत पास पास रहेंगे इसके ये, और फिर धीरे 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 ये जो है बढ़ता चला जाएगा, पर लिमिट हमारे पास ये ही रहेगी माइनस वन टू वन, साइन साइन वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन। इसमें एक चीज और है कि व्हेन वी पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो आपके पास लाइन थी वाई एक्सिस थी, इसमें यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। देखिए x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे साइन इंफिनिटी आ जाएगा, तो यहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। मींस ये जो साइन वन अपॉन एक्स है, मींस फंक्शन तो बाउंडेड है, पर कहां पे है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, एक्सेप्ट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो। मीन्स कि ये जो आपके पास साइन वन अपॉन एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स साइन वन अपॉन एक्स इज बाउंडेड। बाउंडेड तो है कहां पे? एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे। तो जब हम ये कहते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे, मीन्स इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, जो अभी बताया डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो। तो इसके कॉन्सेप्ट समझते रहिए, तो क्लियर हो गया। इसी तरह से जब हम कॉस वन अपॉन एक्स की बात करते हैं, तो कॉस वन अपॉन एक्स का ग्राफ जो अभी तक इस तरह से चलता था, इसमें क्या होता था, ये डिस्टेंस सेम रहता था। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस बहुत नियर होगा, बहुत नियर होगा, और उसके बाद एकदम बढ़ जाएगा। तो यहां पे भी इसी तरह से होगा। देखिए अब ये इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से, और फिर इस तरह से ऊपर आएगा, और फिर ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, और फिर ये इस तरह से, और इसी तरह से ये बहुत बहुत ज्यादा ऑस्किलेशन हम इतना बना भी नहीं पा रहे हैं यहां पे। ओके, और इसमें भी क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो cos वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू तो इसकी cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन ही रहेगी। तो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो। तो इसे भी हम लोग यही कहेंगे कि cos वन अपॉन x इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो। ये क्यों लिखाया, क्योंकि अभी हम एक थ्योरम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसको, जो जो चीजें हम लोगों की यूज हुई हैं उसमें से कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन में क्या है कि इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के वन लेस देन इक्वल टू के टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, वेयर के वन के टू क्या है, के वन के टू है आर सम रियल नंबर, ये रियल नंबर है। तो एफ एक्स इज सेट टू बी बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड इन ए कॉमा बी, जैसे बताया अभी आपको एग्जाम्पल से बताया। इसी तरह से एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के वन लेस देन इक्वल टू के टू हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एक्सेप्ट सम पॉइंट सी मीन्स माइनस सी, तो एफ एक्स कहलाएगा बाउंडेड, बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। जो ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी है, इसका मतलब इस इंटरवल से है, बहुत सिंपल है। और एक थ्योरम हमारे पास है जो कि अब इस क्वेश्चन में यूज होगी, इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए एंड जी एक्स बाउंडेड हो जाए, जी एक्स इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी, मीन्स लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स तो जीरो है और इस c के डिलीटेड नेबरहुड में दूसरा एक फंक्शन बाउंडेड हो जाए, तो लिमिट देन
लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, ये जीरो होगा। बहुत सिंपल है और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, जैसे बताया था लिमिट x टेंस टू जीरो x cos x। अब अगर आप ध्यान दें तो ये c की जगह तो हमारे पास है जीरो, एफ एक्स की जगह है x और जी एक्स की जगह है ये cos 1 अपॉन x है, cos 1 अपॉन x। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो लिमिट हेयर हेयर लिमिट x टेंस टू जीरो x ये तो हो गई जीरो हमारे पास, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहां पे ये वाली लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जो जी एक्स है मीन्स ये जो है ये हमारा बाउंडेड होना चाहिए, क्या बाउंडेड है या नहीं है, अभी हमने आपको पहले बताया इसमें। और cos 1 अपॉन x इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो, ये अभी हमने आपको इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताए उसको देखिए, विद एग्जाम्पल बताया, विद ग्राफ बताया। तो दिस इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा यहां पे, अब मैंने जैसे बताया था कि एक एक लाइन के क्वेश्चन है। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आ गया। तो मेन क्या है इसमें, मेन है ये वाला पार्ट। तो इसी में जो हम लोगों ने टाइम लगाया आपको समझाने के लिए उसे समझ लीजिए, सिर्फ समझना है, लिखना तो एक लाइन का है, जब आप समझ लेंगे तो ही वो याद हो पाएंगी चीजें, अदरवाइज रटने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट था इसमें हमारे पास, सेकंड पार्ट था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, इसमें भी यही था। हेयर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड साइन वन अपॉन एक्स, चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं, माइनस वन अपॉन वन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। मीन्स ये जो साइन वन अपॉन एक्स है, देखिए माइनस वन से वन होने के कारण ये बाउंडेड हो गया, कहां बाउंडेड हुआ, आर माइनस जीरो पे, मीन्स डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो पे। तो जो कॉन्सेप्ट बताए अभी इससे पहले उसे एक बार समझिए और फिर ये देखिए, तो यहां पे आ जाएगा साइन वन अपॉन एक्स इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो। तो दिस इंप्लाइज, तो यहां से और यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अवर आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।